दोस्तों, अभी हम आए हैं राम मंदिर के पास में। तो यहाँ के देवी के हम दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर में फूलों का डेकोरेशन किया गया है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर माता की मूर्ति है। ये साइड भी डेकोरेशन किया गया है। काही दे मैया तेरी आरती बनावा, काही दे पावा विच पाती मंदर विच आरती जयमा सुहे चोले वाली। तो गाइज, अभी मैं आया हूँ ओम सिनेप्लेक्स के पास में। तो यहाँ पे नवरत्न दुर्गोत्सव मंडल की देवी बैठती है, तो उनका दर्शन मैं अभी करने आया हूँ। तो चलिए जाके उनका दर्शन करते हैं। गाइज, अभी मैं किरण फैक्ट्री रोड की तरफ आया था। तो यहाँ पे अशोक राय जी का घर है, उनके पास में एक देवी बैठती है, उनका दर्शन करने अभी मैं आया था। तो यहाँ पे है ना, एक बहुत ही सुंदर माता की मूर्ति है, हमारे यवतमाल के एक मूर्तिकार ने बनाई है। देख सकते हो आप, मूर्तिकार का नाम लिखा है अक्षय ताइडे। तो बहुत ही सुंदर मूर्ति उन्होंने बनाई है। माता के एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डाल है, एक हाथ में चक्र। बहुत ही सुंदर लग रही है और नीचे हमारा शेर है। आई तुझा गचरणी आभाळ धरणी येऊन विसावले, देवाधिकांचे संकट जाई गहरुनी तुझाच कृपेमुळे। नाद झंकार तू सारा संसार तू, नाद झंकार तू सारा संसार तू। तो दोस्तों, ये मूर्ति हमारे गणेश मड़ावी जी ने बनाई है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है माता की। और ये हमारे शाहूकार जी का दुकान है ना, उसके आगे में एक मंडल है, वहाँ की ये देवी है। और यहाँ का मंडप भी बहुत अच्छा बनाया गया है, ऊपर उन्होंने एक झुंबर लगाया है और अच्छी लाइटिंग की गई है। आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे।
आई जगदम्बे। तो गाइज अभी हम आए हैं माउली दुर्गेश्वर मंडल में, तो यहाँ की देवी आपको दिखाता हूँ। ये आदर्श शिक्षक कॉलोनी की देवी है। यहाँ पे कछुआ भी है, ये देखो यहाँ पे दो कछुए हैं, एक वहाँ पे है और दूसरा पीछे है शायद। तो यहाँ पे पूरा नीचे में पानी है और पानी के ऊपर एक पाट रखा है, उस पर शंकर जी बैठे हैं और यहाँ पे देवी है। लाइटिंग बहुत ही सुंदर की गई है, हर साल यहाँ पे कुछ नया किया जाता है। तो ये जो दुर्गोत्सव मंडल है इसका नाम है माँ शेरावाली दुर्गोत्सव मंडल। कछुआ आ चुका है, ये देखो इधर एक है और ये साइड पीछे एक है। माता सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसा। इसका भी जो मूर्तिकार है ना वो अक्षय टाइडे है, बहुत ही सुंदर मूर्ति उन्होंने बनाई है। दोस्तों यहाँ पे एक शेर दिखाई दे रहा है और नीचे उसका बच्चा पानी पी रहा है और ये साइड हमारी माता बैठी है। बहुत ही सुंदर माता की मूर्ति यहाँ पे है और ये जो लाइटिंग है वो ग्रीन में करी गई है। ऐसा लग रहा है कि रियल में माता यहाँ पे प्रकट हुई है, इतनी अच्छी मूर्ति मूर्तिकार ने बनाई है। तेरे भाई
वैशाली है दस भुजाओं वाली, दुखियों के दुख देने वारती ओ मैया हम सबको तारी। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अंबे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अंबे, हो रही जय जय कार मंदिर बिच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बना, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बना। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रकंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। देवादिकांचे संकट जाई ग हरुणी तुझ्याच कृपेमुळे, नाद झंकार तू सारा संसार तू, नाद झंकार तू सारा संसार तू, तुझ्या पायाशी आम्हा राहू दे आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे। खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। दोस्तों यहाँ पे जगराता का कार्यक्रम चालू हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पुराने सब्सक्राइबर मिल गए हैं। अपने अपने नाम बताओ, क्या क्या नाम है? लक्ष, ये तो मेरे को पिछले साल भी मिला था। आपका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव, और आपका? सिद्धेश। ये तीनों हमारे सब्सक्राइबर है। पिछले टाइम मैं आया था तो ये मेरे से मिला था, अभी ये दो जन नए मिल रहे हैं। ये माता का सबसे बड़ा भक्त अपने पास में आ गया है। बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, बस माता जी का दर्शन। माता जी का 25वां साल है ये। 25वां साल से रोज हर साल कभी अंदर बैठती कभी इधर रोड पे। हाँ,
मंडप पंडाल डालते हैं 25 साल हो गए। 25 साल हो गए ना। हाँ। तो अभी मैं यहाँ पे आया ही था तो यहाँ पे ये तो हमारा पुराना सब्सक्राइबर है, मेरे घर पे भी आया था तो इतने सारे सब्सक्राइबर हमको मिल गए। तो दोस्तों अभी हम आए हैं ओम सिनेप्लेक्स।